अब खबरें विस्तार से। कदमा रंगरी मंदिर के पीछे हुई चोरी और लूट की घटना का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घटना में पीड़ित टाटा स्टील कर्मी का पुत्र ही शामिल था। कदमा रंगनी मंदिर के पीछे रहने वाले टाटा स्टील कर्मी धर्मेंद्र सिंह शाम 6 बजे अपनी पत्नी के साथ वॉकिंग में गए थे। लौटने पर पुत्र ने बताया कि 3 की संख्या में युवकों ने उस पर हमला कर घर में रखे नकद और जेवरात लूट लिए हैं। अनुसंधान में जुटी पुलिस ने धर्मेंद्र के नाबालिग पुत्र समेत उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से जेवरात बरामद हो गए हैं। सिटी SP ने बताया कि नाबालिग पुत्र प्रेमिका और तांत्रिक के चक्कर में है। बिहार में अपार्टमेंट में फ्लैट है, इसमें 2 अज्ञात लोग घुस कर थे और जो घर में एक लड़का मौजूद था उसको जख्मी करके और कुछ सामान की चोरी कर लिया, सामान का चोरी हो गया है। उसके लिए इस कांड के पहले इसको कदमा थाना में कांड दर्ज हुआ जिसका संख्या है 87/18/12/4/18 के डेट में, और इस कांड का उद्घाटन करने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वितीय DSP हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस निरीक्षक केल्पो मौजूद थे जो कदमा के चार्ज में थाना प्रभारी था, उनके साथ थाना के पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल थे। कांड के अनुसंधान के बाद ये बात प्रकाश में आई है कि जो वादी हैं इस कांड के उनका खुद का लड़का घर से सामान घटना के प्रकाशित होने के 7 दिन पहले ही घर में से सामान निकाल करके और अपने किसी दोस्त के यहाँ दे दिया था। यह कह करके दे दिया था कि तुम उसको सुरक्षित रखे रहो सामान को, जब मैं मांगूंगा तब मुझे दे देना। वो दोस्त जब अगले दिन पेपर में प्रकाशित हुआ न्यूज़ कि इनके घर में चोरी हुई है लूट हुई है, तो वो दोस्त ये पेपर में न्यूज़ पढ़ के वो डर गया और वो किसी फर्दर दोस्त के यहाँ रख दिया कि मेरे यहाँ से अगर सामान मिलेगी तो हम फंस जाएंगे। इसी तरह से वहाँ से सामान की बरामदगी हुई है, घर से जो भी सामान एक एक चीज़ जो उनका बच्चा लेकर के दूसरे दोस्त के पास रख दिया था एक एक चीज़ की बरामदगी हो गई है, और जिस दोस्त के पास पहले सामान रखा था वो दोस्त इस बच्चे को समझाया भी था कि ऐसा मत करो, अपने माँ बाप के पास जाके सामान को लौटा दो, अगर गलती हो गई तो माँ बाप से माफ़ी मांग लो, लेकिन उसके समझाने पर ये ऐसा नहीं किया। और इसमें हम लोग उस बच्चे को जब पूछताछ कराई से किए तो उसने स्वीकार भी किया है। और इसमें एक चीज़ जो सामने आ रही है जो इंटरेस्टिंग है, उसका कहना है कि वो पढ़ाई में शुरू से कमज़ोर रहा है, इनफैक्ट उसको स्कूल में 4th-5th क्लास में एक बार स्कूल से निकाल भी दिया गया था, तो स्कूल चेंज किया गया उसका, और अभी जिस स्कूल में उस स्कूल में भी मारपीट के चलते एक बार उसको सस्पेंड किया गया था, और उसका एक मतलब महिला मित्र से भी संबंध था, उससे भी कुछ शायद ब्रेकअप हो गया था जिसके लिए हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहता था। बहरा गोवा में एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। उन्हें MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहरा गोवा में भोजन करने के बाद एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। पड़ोसियों ने 5ों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें CCU में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है इनका? कनकलता। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। सुबह पूरी खाए थे, उसके बाद बहुत उल्टी कर रहे थे, उसका सिर घूम रहा था और पैर बोलो हाथ का बहुत कम रहा था। बस कितने लोगों के साथ थे? वैसे 5 लोग। सभी लोग, पूरा फैमिली का? हाँ। कौन कौन लोग ऐसा हुआ? ये इसका हस्बैंड, 2 बेटियाँ और एक इसका देवर का बेटा है। सबके साथ ही प्रॉब्लम हुआ। परीक्षाओं के पेपर लीक होने के विरोध में ABVP द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इंटर की परीक्षा पेपर लीक होने के विरोध में ABVP द्वारा DC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व सोनू ठाकुर कर रहे थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सही तरीके से परीक्षा लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। लगातार पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं, पर कल केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ, आज और मैथ का पेपर लीक हुआ, इसमें कहीं ना कहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारी दोषी है। जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का जो एक पाठशाला बना के रखे हैं, इंडस्ट्री बना के रखे हैं, इसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर से विरोध करता है, और कहीं ना कहीं कदाचार मुक्त विषय पे परीक्षा हो और छात्रों का भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो झारखंड में, ऐसा विद्यार्थी परिषद डिमांड करता है। और विद्यार्थी परिषद यह भी डिमांड करता है कि इस पूरे
घटनाक्रम में एक जांच कमेटी बने और जांच कमेटी बन करके उच्च स्तरीय जांच कमेटी बन करके इसमें दोषियों पे कार्रवाई हो। पोटका में हो रहे अवैध ईंट भट्टा संचालन के खिलाफ गत 3 अप्रैल से धरना पर बैठे ग्रामीणों की अभी तक सुधी नहीं ली गई है। पोटका थाना अंतर्गत मांटकू पंचायत में अवैध खनन और ईंट भट्टा संचालन के विरोध में क्षेत्र के 5 ग्रामीण गत 3 अप्रैल से डीसी कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हैं। दिया गया और मुख्यमंत्री को भी प्रतिलिपि दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पोटका प्रखंड में अवैध रूप से माटू पंचायत में भट्टा चल रहा है, जिसमें वहां के प्रमुख द्वारा मोर्चा खोला गया था, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ है। जहां सीओ द्वारा उन भट्टों पर पैसा लिया जा रहा है, उसमें लगभग 50 भट्टा है जो अवैध रूप से चल रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने बलात्कारियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग केंद्र सरकार से की। आज आप लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, किस बहन के तरफ के? बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रही है, उसी वजह से हम लोग आए हैं। आज हम लोग बेटी को खुलेआम छोड़ नहीं सकते हैं। बेटी निकलती है ना, सीने में हाथ रख के बोलना पड़ता है, अभी मेरा बेटी जीवित आएगी कि नहीं। हम लोग सोचते हैं हम लोग का बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है। उन लोग से घर से निकलने से अगल बगल से हम लोग को डर रहता है। हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बेटी को छोड़ के आए हैं, तो बेटी बचाओ आंदोलन में क्या हो रहा है, बेटी तो हम लोग कहीं ही लूट रही है। इंटक ने रीना सिंह को सदस्यता दिए जाने का स्वागत अन्य सदस्यों ने किया है। वरिष्ठ नेत्री रीना सिंह को इंटक की सदस्यता देने पर इंटक महिला अध्यक्ष देविका सिंह ने कहा कि रीना सिंह के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी और महिलाओं के उत्थान के लिए तेजी से कार्य किए जाएंगे। हम लोग यहाँ मिले हैं प्रेस के माध्यम से। ये मैं संजीवा रेड्डी, जो हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ही नहीं हमारे गार्जियन भी हैं, और खास के महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज ये हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो नूर जहां खान, जो काफ़ी दिनों से हमारे साथ मजदूर फील्ड में जुड़ी हुई हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए, ये देखते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत साल से जुड़ी हैं, उनको कहीं आगे जगह नहीं मिल रहा है। रेड्डी साहब से मैं इनका पूरा बारे बतलाई, इनका काम के बारे बोली, बहुत खुश हुए, और मेरे कहने से मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ रेड्डी साहब का, कि इनको ये ऑल इंडिया में एज अ स्पेशल इनवाइटी का दिए हैं, ताकि जैसे जैसा इनका काम बढ़ेगा उस हिसाब से इनका और आगे पदोन्नति होती जाएगी। और लोकल में मैं इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा काफ़ी अच्छा वर्क है, हर कोई जानता है। मैं राकेश्वर पांडे जी के साथ भी बहुत सालों तक काम कर रही हूँ, आज भी करती हूँ। रघुनाथ पांडे जी की कमेटी में हूँ, तो काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे काम को देखते हुए वहाँ तक जो पहुँचा है, उसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ।